84 विधानसभा के उपचुनाव के अवसर पर आज भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी अनिल कटारा ने भरा नामांकन पत्र। इस अवसर पर विशाल जनसमूह उपस्थित रहा। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़े एवं नाचते गाते हुए सीमलवाड़ा नगर में भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पर अनिल कटारा जी ने एसडीएम साहब को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोकसभा सांसद श्री राजकुमार रोत, बागीदौरा के विधायक जय कृष्ण पटेल, आसपुर के विधायक उमेश डामोर, कांति भाई आदिवासी, आशुतोष भाई जिला अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी पोपट पोखरिया, दिनेश भूवित जिला परिषद सदस्य, माया कलसुआ, हेमंत राणा तथा अनेक महानुभाव उपस्थित रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी अनिल कटारा एवं सांसद महोदय ने दिया पत्रकारों के सवालों के जवाब। देखिए आप हमारे इस विस्तृत खबर के माध्यम। खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।
अनिल जी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारों को रोजगार देना, उस पे हम काम करेंगे। पिछले छह साल से आपकी सरकार थी, आप ही के क्षेत्र के, आप ही पार्टी विधायक थे, ऐसे में इन्हीं मुद्दों पे आप चुनाव पे हो? किसने बोला? और आके देख लो क्षेत्र में, क्षेत्र में आके आप देखोगे सब चीजें आपको अच्छे से मिलेगी। तो फिर क्यों चाहते हैं वापस उनको? अच्छे से हमको चाहिए, वो उच्च स्तरीय जो चाहिए, उन्होंने प्रयास किया था, लगातार उस पर काम करते ही जाएंगे जी। तो आपके आने से नया क्या मिलने वाला है? नया शिक्षा तो रहेगा ही रहेगा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को रोजगार देना, और हम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार हैं उस पर हम काम करेंगे। यहाँ 84 का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जो लोग हैं, 84 के सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि प्रवास कर जाते हैं, मतलब अहमदाबाद की ओर, तो उसके लिए क्या कुछ करेगी भारत आदिवासी पार्टी? और आप जीत जाते तो क्या कुछ करोगे? पहली ऐसी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी जो हमारे लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात जाके काम करते हैं, उनके लिए कुछ कर रही है। वहाँ जाके हम बार बार मिल रहे हैं उनसे, वहाँ हमारे जो प्रवासी भाई है वहाँ उनके लिए हमने ऑफिस भी खोल ली है कि उनके कोई समस्या है तो वहाँ पर आकर के वो संपर्क करें, और आने वाले समय में हम भी यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और लोगों का जो पलायन है वो रोकेंगे। चुनाव से पहले आपकी सीएम से मुलाकात हुई तो किस मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? सीएम से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। इस क्षेत्र को लेकर क्या मांग उठाएंगे? इस क्षेत्र को लेकर के मुख्य मांग हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारों को रोजगार, पानी है, इसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर इंसान को चाहिए उस पर हम काम करें। गठबंधन जो रहा था इंडिया अलायंस के साथ केंद्र में, वो अब टूट गया, कहीं ना कहीं राजकुमार रोज जी के पार्टी के सामने रोज सामने है, किस तरीके से देखते हैं इसको? ये जवाब राजकुमार पार्टी पदाधिकारी कुछ अफवाह ऐसी चल रही है, जो शीर्ष कर्म है वो आपको उस पर कुछ अफवाह ऐसी चल रही है कि दो दो जैसे पिछले चुनाव में दो दो राजकुमार थे, इस बार भी सेम नाम के कोई उम्मीदवार हैं क्या? आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत है, अगर आ भी जाए तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। खुद बीएपी पार्टी के लोगों ने चुनाव में यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है, खुद बीएपी में ही फूट है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा, नामांकन भरा गया है। किस नाम से? बदामी लाल जी से। बदामी लाल जी अभी हमारे संपर्क में नहीं थे, निष्कासित कर दिए गए उनको पार्टी के हाई कमान के द्वारा निष्कासित। कहीं ना कहीं पार्टी नुकसान तो झेलेगी उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं झेलेगी जी। भारत आदिवासी पार्टी का गढ़ जो 84 माना जाता है, और अन्य पार्टियां अभी हर व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे और हमारा जो प्रचार प्रसार रहेगा वो जोरदार रहेगा। आज बाहर का माहौल देख के लगा है कि ऐसे 9 अगस्त का दिन हो ऐसा, तो ये जो भीड़ आई है वो पैसों से भलाई हुई या फिर अपने बलबूते से? ये मैंने कहा हमारी व्यवस्था ऐसी है कि लोगों में एक ऐसी आग लगी हुई है कि वो अपने पैसों से आ रहे हैं, हमने कोई पैसा नहीं दिया उनको, अपना पैसा, अपनी गाड़ियाँ हैं और उनमें उत्साह है। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद जोहार करना चाहता हूं, और विशेषकर आज नामांकन रैली में जो एक उत्साह, एक जो जुनून दिखा भारत आदिवासी पार्टी के हर कार्यकर्ता में, उस जुनून के आधार पे ये तय हो चुका है कि यहां पर भारत आदिवासी पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करेगी। आपका सवाल था जो गठबंधन को लेकर सारे चैनलों पर डिबेट चलती रहती है, हर समय हर चुनाव में अलग अलग स्थितियां बनती है। आज राजस्थान के अंदर जैसे आरएलपी ने उस समय गठबंधन किया था, आरएलपी ने हमने भी एक अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन हुआ था, कांग्रेस का कैंडिडेट भी उतरा था, और उस समय जो कांग्रेस की स्थिति इस तरह से बनी थी तो उस समय उन्होंने समर्थन दिया था बाहर से हमको। आज भारत आदिवासी पार्टी सलुम्बर सीट पे और हमारी 84 सीट पे स्वतंत्र होकर लड़ रही है, सभी पार्टियां स्वतंत्र होकर लड़ रही है। ये गठबंधन इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, हमें समझना पड़ेगा। राजस्थान में जो हमें लग रहा है, आज कांग्रेस को भी लगता है, बीजेपी को भी लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाए चले, बीजेपी जीत जाए लेकिन बीएपी नहीं आनी चाहिए, उस उद्देश्य से ये दोनों सीटों पे कांग्रेस भी काम कर रही है और बीजेपी भी काम कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस को लगता था राजकुमार को हमने ये किया, राजकुमार के घाव से कैंडिडेट उठाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई है वो, लेकिन विचारधारा एक मजबूत है हमारी, उस भाई के घर से भी वोट भारत आदिवासी पार्टी में पड़ेंगे, वो स्थानीय सरपंच है हमारे सासुरपुर से,
हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन उस पंचायत का बूथ भी भारत आदिवासी पार्टी प्लस करेगी और कांग्रेस यहां पर 15,000 से 20,000 वोटों पे निपटेगी और वही बीजेपी 40,000 वोटों पे निपटेगी। सर लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं पनपनी चाहिए, वो समय समय पे परिस्थिति, लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा आपके चैनलों के माध्यम से यहाँ पर एक तरफा 70,000 वोटों से बीजेपी ने 2023 के चुनाव में मुझे चुना था यहाँ की जनता ने, और आज वही लीड रहेगी, एक वोट बढ़ेगा लेकिन काम नहीं होगा। दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड बनाया था आपने यहाँ के कडाणा के पानी के लिए इस क्षेत्र की जनता तरस रही है, अगर वो सच में भला चाहते थे इन 11 महीनों के अंदर कडाणा का जो वर्क ऑर्डर पेंडिंग है वो वर्क ऑर्डर दे देते, लेकिन जनता को समझ चुका है, घर घर तक हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेके जाएंगे और जिस तरह से उन्होंने कडाणा प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया है उनको भुगतना पड़ेगा इस चुनाव के अंदर। भाजपा के लोगों को गाड़ियां जबरदस्ती लोगों को बिठा बिठा रहे, पैसा ले लेके लालच दे देके इनको बिठाने का काम, क्योंकि जनता समझ चुकी है 11 महीनों के अंदर भाजपा के राजस्थान में सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार के नाम से चिल्लाते थे डबल इंजन का बनाएंगे, क्या कर रहे हैं आप? विशेषकर पूरे राजस्थान की बात करें और हमारे इलाके की बात करें, एक भर्ती नियुक्ति नहीं दी गई अब तक, एजुकेशन व्यवस्था मंत्री बने हुए वो मंत्री जी शिक्षा विभाग की बात नहीं करते, कर्मचारियों को परेशान करने का काम करते हैं, धर्म के नाम से जहर उगलने का काम करते हैं, टीचरों को ट्रांसफर करते हैं, जो अच्छी सेवा देता है उस टीचर को ट्रांसफर करने का काम किया है 11 महीनों के अंदर, शिक्षण व्यवस्था खत्म हो चुकी है। हमारी पार्टी, हमें पता है हम सत्ता में नहीं जाएंगे, लेकिन सत्ता में जो भी बैठेगा उसको एहसास कराएंगे कि लोकतंत्र है, राजतंत्र है। हमारी जो LS के सामने आपका गठबंधन हुआ था, लेकिन अब आपके सामने कांग्रेस के मैदान के अंदर में किस तरीके से देखो, कांग्रेस उसके कर्मों की वजह से खत्म, राजकुमार कांग्रेस उनके कर्मों की वजह से आज राजस्थान में लोकसभा में चाह रहे थे बीजेपी को हराए और राज्य में चाह रहे बीजेपी जीत जाए चलेगा, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए। कौन किसी ने फीडबैक दे दिया कि महेश रोध उनके घर से गांव से बेचारे उस गरीब आदमी को मार रहे चुनाव में, आप बलि का बकरा बना रहे, उसके साथ नहीं है ये लोग। इस तरह से कांग्रेस पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से RLP को नजरअंदाज कर दिया, हमको नजरअंदाज कर दिया, आज कांग्रेस को लगता है हम ताकतवर हैं, हमको लगता है हम ताकतवर हैं, लेकिन परिणाम के दिन ही पता चलेगा कि ताकतवर कौन है, जनता किसके साथ है। और इस जाजम व्यवस्था में इतनी ताकत है कि राजकुमार रोध भी बागी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ पर हाईकमान सिस्टम नहीं है, हम कैडरलेस लोग हैं, एक सिस्टम से चलने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए भागने वाले लोग नहीं है, यहाँ पर अस्तित्व को लेके अधिकारों को लेके लड़ने वाले लोग हैं हमारे साथ। और हमें तो खुशी है कि वो बदामी लाल चला गया, सफाया हो गया, नए लड़कों को अवसर मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ बदामी लाल का खुद का बूथ हम प्लस करेंगे, जितने कैंडिडेट यहाँ उतर रहे हैं उन सारे कैंडिडेटों का बूथ भी हम प्लस करेंगे। राजकुमार रोध की पार्टी लगातार बढ़ रही है और उम्मीदवार भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक में अब जो चस्का लग गया है उसको रोकने के लिए भारत आदिवासी पार्टी क्या करेगी? ये मेरी पार्टी है, मैं पार्टी का एक सदस्य मात्र हूँ। इस पार्टी में हमारी सिस्टम व्यवस्था है, व्यवस्था मजबूत है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है, राजकुमार रोत या कोई एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, और इस व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण है, उस व्यवस्था में आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति, संघर्ष करने वाला व्यक्ति, सच्चाई के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था से हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति, गरीब की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति को इस जाजम से आगे लाया जाएगा। और बदामी लाल जी भागे हैं, हमें अच्छा लगा कि वो सफाया हुआ। गहलोत साहब की पार्टी आपने बचाई थी, क्या गहलोत यहाँ बड़े बड़े खड्डे थे, क्या नाम है अपना? नटवर सिंह गमात। राजस्थान में आदिवासी विवाद करें, वेस्ट कराए, कई स्वास्थ्य